फौजी देगी पबजी को टक्कर। हेलो गाइस, यू वॉच निश गेमर। तो आज किस बारे में बात करने वाले हैं, पबजी मोबाइल अनबैन से रिलेटेड जो न्यूज़ वायरल हो रही है उसके बारे में। और गाइस बात करेंगे हम फौजी वर्सेस पबजी की। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम शुरू कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस यदि आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, जो कि आप में से कोई नहीं करेगा मैं अच्छी तरह से जानता हूं। उल्टा आप लोग मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दोगे। बहुत से लोगों ने अनसब्सक्राइब करना स्टार्ट कर दिया है जब से मैंने फौजी गेम के बारे में बोला स्टार्ट किया है। तो भाई अगर आपको चैनल पर सब्सक्राइब करना तो कीजिए यार, शौक से कीजिए, मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं आपसे सच बोलता था, बोलता हूँ और बोलता रहूँगा। तो गाइस जब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, पबजी मोबाइल अनबैन से रिलेटेड एक ट्वीट वायरल हो रहा है जो कि बिल्कुल फेक ट्वीट है। उसे देख के मेरा खून खोल रहा है यार, मैं क्या बताऊँ आपको, इसलिए मैं आपको वो ट्वीट भी नहीं दिखा रहा हूँ। पबजी मोबाइल ने ऑफिशियली अभी पबजी बैन पे कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, कुछ तक रिएक्ट नहीं किया, समझ रहे हो ना आप। उन लोगों ने भाई ट्वीट या पोस्ट करना ही छोड़ दिया जब से पबजी मोबाइल बैन हुआ है। तो गाय जब हम बात कर लेते हैं पबजी वर्सेस फौजी, जो कि होना ही नहीं चाहिए, कभी भी पबजी वर्सेस फौजी हो ही नहीं सकता क्योंकि पबजी उसकी बैटल रॉयल मोड गेम है और फौजी बैटल रॉयल मोड गेम आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, सिर्फ हाइप क्रिएट की गई थी कि बैटल रॉयल मोड देखने को मिलेगा, उसमें कुछ ऐसा देखने को आपको नहीं मिलेगा। और दूसरी बात गाइस मैं आपको बता दूं, कोई भी बैटल रॉयल गेम बनाने के लिए ना मिनिमम एक साल लगता है यार, एक साल के दो तीन साल लग जाते हैं। और यहाँ पे पाँच छः महीने में गेम तैयार करने वाले हैं, पाँच छः महीने में भी कहाँ यार, तीन चार महीने में गेम तैयार करने वाले हैं। हो सकता है भाई पहले से काम कर रहे हो गेम पे, तो गेम इनकी तैयार होगी, आधी गेम बना दी बट पोस्टर नहीं बनाया। पहले तो पोस्टर बनता फिर जाके गेम बनती है, चलो कोई ना, ये लोग भूल गए होंगे, अभी पोस्टर तो लॉन्च कर दिया यार। यार सुनने में आ रहा कि पोस्टर चोरी का है, हो सकता है पोस्टर चोरी का हो सकता है यार, बट गेम थोड़ी ना चोरी की होगी। तो ये जानने के लिए मैं गया अक्षय कुमार के ट्विटर पे, तो वहां पे देखा मैंने इस पोस्ट के नीचे भाई माँ बहन की तो पहले गालियाँ दी गई हैं, उसके बाद लिखा गया है कि SSR का प्रोजेक्ट चुराया गया, वो इस गेम पे काम कर रहे थे, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत इस गेम पे काम कर रहे थे जो कि चोरी कर लिया इन लोगों ने। भाई मुझे इसके बारे में सच नहीं पता है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो। तो गाइस अभी मैं आपको बता देता हूँ कि एनकोर गेम्स कंपनी जो है रोबियो कंपनी से पार्टनरशिप की हुई है या फिर उसके नीचे ये काम करती है। रोबियो कंपनी के बारे में यदि आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, रोबियो कंपनी बहुत ही पॉपुलर कंपनी है भाई, जो HD ग्राफिक आपको गेम देखने देती है, जिसका नाम है एंग्री बर्ड। आप सब जानते होंगे एंग्री बर्ड गेम भाई कितनी ज़्यादा कमाल की गेम थी, बहुत ही पॉपुलर थी एक टाइम पे। तो वो एंग्री बर्ड जैसी गेम बनाती है रोबियो कंपनी, उसके साथ इसकी पार्टनरशिप है या फिर उसके अंडर ये काम करती है एनकोर गेम्स। और आप सब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, कभी आपने एनकोर गेम का नाम सुना था लाइफ में, कभी भी सुना था? मुझे नहीं लगता किसी ने सुना होगा। और मेरी बातें सुनके भाई बहुत से लोग भाग गए होंगे अभी से ही चैनल को अनसब्सक्राइब करके, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, आप लोग जो करना करो, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ, सच आपको अच्छा नहीं लग रहा सुनने में तो मैं क्या कर सकता हूँ। और इस गेम की सबसे अच्छी बात जो कही गई है कि 20% जाएगा भारत के वीर जवानों को। बट मैं सोच रहा था कि 20% क्यों, 30%, 40%, 60%, 80%, 100% क्यों नहीं जाएगा भारत के वीर जवानों को। तो मैंने सुना कि इनको प्रॉफिट भी तो करना है अपना, भाई वो भी सही है, अपना प्रॉफिट तो करना चाहिए। तो सीधी सी बात है, ये भाई देश का नाम लेके ना अपनी गेम को प्रमोट कर रहे हैं। और दूसरी बात, गए आपने देखा होगा अभी कुछ देर पहले टिकटॉक बैन हुआ था, तो मित्रों नाम की ऐप आई थी, जानते हो ना मित्रों के बारे में कैसे टूट पड़े थे देशभक्त उस पे, और क्या हुआ था उसके बाद, जानते हो ना कहाँ की ऐप निकली थी, वो आप सब जानते होंगे अच्छी तरह से। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मित्रों की ऐप कहाँ की थी, बहुत से लोग बताएंगे नहीं अब इस बात को कि मित्रों ऐप कहाँ की थी, कैसे उस पर टूट पड़े थे, क्यों टूटे थे, क्योंकि इंडियन ऐप थी, देशभक्ति वाली ऐप थी। और गाइस एक बात, और मुझे फौजी गेम से कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे प्रॉब्लम इस बात से कि हमारे वीर जवानों का नाम लेके ना ये लोग बिजनेस कर रहे हैं अपना, और आप लोग इनके बिजनेस में इनका साथ दे रहे हो, मुझे इस बात से प्रॉब्लम है। और भाई जो लोग कहते हैं अक्षय कुमार भाई बहुत बड़ा देशभक्त है ना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो तब कहाँ थे जब भाई टिकता तपूर ने वो किया था, जानते हो ना क्या किया था, इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म के साथ क्या किया था, आप सब अच्छी तरह जानते होंगे अपनी वेब सीरीज में। तो सबसे पहले आवाज़ उठाने वाला तो मुझे ये लगना चाहिए था ना अक्षय कुमार, कहाँ था ये तब यार, उठाई थी इसने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी, मुझे तो सुनने वाला किसी भाऊ हिंदुस्तानी भाऊ ने शायद आवाज़ उठाई सबसे पहले, फिर मुकेश खन्ना जो कि हमारे शक्तिमान हीरो हैं उन लोगों ने भी आवाज़ उठाई थी। तो प्लीज़ इनके बिजनेस को समझो यार, मैं कोई फौजी गेम के खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी खेलूंगा उस गेम को, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब वो गेम आएगी मैं खेलूंगा, बट अगर ये कह रहे हो कि पबजी को टक्कर देगी ये वो करेगी, ये सिर्फ भाई सिर्फ अपना प्रमोशन कर रहे हैं इंडियन आर्मी का नाम लेके, पबजी का नाम लेके, तभी इन लोगों ने नाम भी फौजी रखा है यार। और अगर गाइस आप थोड़े से भी देशभक्त हो ना तो भारत के वीर जवानों की वेबसाइट पर जाके उन्हें डोनेट करो यार, ये गेम में डोनेट करने का कोई फायदा नहीं है। यदि आप 100 रुपये की गेम में चीज़ खरीदोगे 20 रुपये देंगे इंडियन आर्मी को, आप डायरेक्ट जाके इंडियन आर्मी को 100 रुपये दो ना यार, वो अच्छा होगा कि 20 रुपये देना अच्छा होगा। आई होप गाइज आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब आइए, आपको चैनल को अनसब्सक्राइब करना है अनसब्सक्राइब करो, वीडियो को डिसलाइक करना है डिसलाइक करो, सब्सक्राइब करना जो आपको मन करे आप वो करो, मेरा काम था आपको सच बताना। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।